तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं एक ढाबे पे, और जहाँ पे हम ये खाना खा रहे हैं जो कि हम अपने घर से लेके आए थे, आलू की सब्ज़ी, पराठे, मेथी की सब्ज़ी। और हमारा भाइयों जो है छोटू, वो भी खाना खा रहा है। तो वैसे अब यहाँ से खाना खा के हम सीधे निकलेंगे शनि शिंगणापुर, और फिर वहाँ पे एक हमारे जो परिचित रिलेटिव उनके हम रुकने वाले हैं, तो उनका घर भी मैं आपको विज़िट कराऊँगा। तो बने रहिए साथ में मेरे। दोस्तों मैंने जैसा आपको बोला था कि हम अपने एक रिलेटिव के यहाँ रुकने वाले हैं, तो हम यहाँ पहुँच गए थे रात में 11:30-12 बजे करीब। और ये हुआ था कि रात में यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, जिस वजह से मैं अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने रात का रहने दिया। और फिर हम खाना वाना खा के सो गए, और हम सुबह उठे, नहाया वगैरह। और ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं, पूरा इनका घर है, काफ़ी सारे इनके पशु पक्षी पले हुए हैं। और ये पीछे मेरे आप ये मुर्गियाँ देख सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ इसमें मुर्गा मुर्गी है काफ़ी सारी, और ये यहाँ पर भी यहाँ मुर्गा मुर्गी है, गाय, भैंस, और ये इस तरफ काफ़ी सारी बकरियाँ हैं। यहाँ बहुत सारी बकरियाँ हैं, यहाँ अंदर में भेड़ और बकरी दोनों हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे भी हैं काफ़ी सारे। और इन्होंने भाई स्पेशल क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जानवरों का डर होता है, जंगली जानवर का, तो इन्होंने ये वाइल्ड जो हंटिंग डॉग्स होते हैं ये पाले हुए हैं। साथ में इनके यहाँ घोड़ा भी है, और फिर से ये देखते हैं एकदम जिन्होंने एकदम से मुझे देखा और मुझे भूख लगी। और ये भी कुछ अच्छे शिकारी कुत्ते पले हुए हैं इनके, तो काफ़ी बड़ा हाउस है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी गांव की फीलिंग है। लगी थोड़े-थोड़े गया एक दो बोट है। तो अभी हम आ गए हैं शनि शिंगणापुर, दर्शन कर रहे हैं, जहाँ मैंने बताया था जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ से हम निकले हैं, और अब हम आ गए हैं शनि शिंगणापुर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ तक मैं यहाँ का शूट कर सकता हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए सामने शनि शिंगणापुर, हम अभी अंदर जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि पहले कुछ अलग था और यहाँ बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। ये देखिए पानी की व्यवस्था भी कर रखी है इधर, और एक टर्नल जैसा बना दिया है पूरा प्रॉपर, कि जहाँ हम अंदर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और अभी कोशिश करूँगा कि मैं आपको दर्शन भी कराऊँ शनि महाराज के, अगर वहाँ शूटिंग अलाउ हो तो। बने रहिए आप मेरे साथ में, क्योंकि ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। अभी हम और भी आगे और भी दर्शन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। तो हमारे शनि महाराज के जो यहाँ के दर्शन तो हो चुके हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं आप छोटा सा है कि इन्होंने तालाब वगैरह भी बनाया है, बहुत सुंदर कर दिया, कि काफ़ी भव्य बना दिया है अब तो मंदिर, क्योंकि मैं काफ़ी पहले आया था तब इतना नहीं था, यहाँ पे छोटा मंदिर था, और बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा कर दी है यहाँ पर। तो देखने लायक है, मैं तो सभी से अनुरोध करूँगा कि आना चाहिए यहाँ पर दर्शन करें, बहुत अच्छी जगह है। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, हमने पार्किंग में पार्क करी थी अपनी गाड़ी, वहाँ से फिर हम निकलेंगे तुलजा भवानी के लिए। तो मज़ा आएगा आपको रास्ते में भी, बहुत सारी सीनरियाँ हमें देखने को मिलेगी प्राकृतिक, तो बने रहिए साथ में मेरे इस जर्नी में। तो चलिए चलते हैं। अभी हम शनि शिंगणापुर से निकल गए हैं, और रास्ते में रुके थे गन्ने का जूस पीने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ गन्ने का रस कैसा बनता है, मतलब गन्ने का जूस जो है वो कैसे निकाला जाता है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो देखिए फाइनली अब ये रस निकलना शुरू होगा, ये बेल घूम रहा है, और ये देखिए भैया ने गन्ना डाला और इसके अंदर से ये रस निकलना शुरू। ये देखिए ये हमारे गन्ने का रस बनना शुरू हो गया है यहाँ पर,